डभोई तालुका से गुजरती हेरण नदी में बाढ़ के हालात बनते हुए बिलोड़िया सहित आसपास के ग्रामीण विस्तारों का संपर्क टूट चुका है। डभोई तालुका से गुजरती वैसी हेरण नदी में आई बाढ़ की परिस्थिति के बीच बिलोड़िया तथा अरणिया गांव का संपर्क टूट जाते हुए गांव लोगों की गंभीर परेशानियां बढ़ी है। जहां हेरण नदी में बाढ़ के हालात बनते हुए बिलोड़िया और अरणिया गांव के बीच के रोड पर भी पानी भर जाने के साथ यातायात प्रभावित हुई थी। स्थानीय ग्रामीण विस्तार के लोगों को प्राथमिक सुविधा नहीं मिलते हुए वे लोगों के लिए अब जीना बसर करना भी काफी कठिन बना है। उपरवास में भारी बारिश की सीधी असर हेरण नदी में बाढ़ के हालातों को पैदा किया है, जिसमें अंदरूनी विस्तार में आया हुआ अरणिया तथा भिलोड़िया गांव संपर्क विहीन बनते हुए अब ये लोगों के लिए काफी गंभीर परेशानी भुगतनी पड़ रही है, जो ये गांव में 300 जितने लोगों की आबादी होने की जानकारी प्राप्त हुई है। कोई तालुका नो छेवाड़ा नो गांव जे आवेलु से अरणिया गांव जहां लगभग 76 घर की वस्ती से अने हेरण नदी एक साइड हेरण नदी से बीजो अरणिया करे एक नारू से इमने अवर जवर माटे हाल में एटलू बधु पानी छे કે જે જમીનના લેવલથી 45 ફૂટ ઊંચું છે નારું, એની ઉપર પણ લગભગ 6-7 ફૂટ પાણી અત્યારે ચડી ગયેલું છે। એ લોકોને બિલકુલ હાલાકી છે અત્યારે, કે દૂધ અવર જવર માટે કોઈ પણ રસ્તો નથી, આજુબાજુ બીમાર આદમી પડે તો એ કંઈ જવાય જેવું નથી, અને એ લોકોને કરિયાનું લેવા ભેળિયા આવવું પડે છે, દરાવા આવવું પડે છે, દૂધ ભરવા આવવું પડશે, તે પણ સદંતર રસ્તો બંધ કરી દે થઈ ગયેલો છે। તંત્રના કોઈ અધિકારી આજ ના કોઈ પણ અધિકારી અત્યાર સુધી આવ્યા નથી।